गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी टिप्स बाय एसएलचेम। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैच के बारे में, जो कि आपको रात में 9:30 बजे होने वाला है। तो इस मैच में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चांसेस हैं, वो सारे चीज़ें बात करेंगे। मैच थोड़ा सा सही लग रहा है क्योंकि दोनों टीम कोशिश करेगी मैच जीतने की, और एक टीम के पास तो लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्विटा ग्लेडर्स के पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। जीती तब तो ठीक है, हारी तो गई। तो चलिए पहले पॉइंट टेबल आपको दिखाते हैं सारा, क्या क्या सिचुएशन है और क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्विटा ग्लेडर्स जो अभी लास्ट पे है, और मुल्तान सुल्तान जो है ये फोर्थ पे है। मुल्तान सुल्तान 7 मैच खेला और ये 8 मैच खेला है, 3 विन और 2 विन 4 लॉस और 6 लॉस है। और यहाँ से पॉइंट देखिए, पॉइंट टेबल में देखिए, मैन पॉइंट टेबल पर नज़र रखिए, इस 3 टीम में से कोई एक टीम ही अब ऊपर जाएगी, ठीक है, कोई एक टीम ही ऊपर जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में क्विटा ग्लेडर्स के पास ये लास्ट चांस है। अगर आज का ये मैच अगर हार जाती है तो लास्ट का मैच ये जीत भी जाएगी, फिर भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इसके पास ये लास्ट चांस है। अगर ये मैच जीतता है तो आज इसका 6 पॉइंट हो जाएगा, फिर इस तीनों का 1 बराबर हो जाएगा, फिर लास्ट मैच, मतलब कि क्विटा ग्लेडर्स को अगर जाना है टॉप 4 में तो ये मैच हर हाल में जीतना होगा। अगर हारती है तो आज ये बाहर है। तो इसलिए यहाँ से क्विटा ग्लेडर्स अपना पूरा दम लगाएगी मैच को जीतने का। तो चलिए पॉसिबल 11 देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। अगर क्विटा ग्लेडर्स के साइड से पॉसिबल 11 में देखिए, यू खान, एसयू, जैक बर्लन, कैमरन डेलस्पोर्ट, सरफराज अहमद, आजम खान, जैक विल्डमुंस भी हो सकते हैं, और मोहम्मद नवाज या मोहम्मद हानसन। उसके बाद आपको यहाँ से निजम शाह या फिर यू खान को एक खेलेंगे, यू खान सिनवाड़ी या फिर निजम शाह, मुझे लगता है सिनवाड़ी ही खेलेंगे, पिछले मैच में अच्छा रिकॉर्ड था, और केसा। साथ ही साथ मुल्तान के साइड से आप यहाँ देखिए शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, शोएब मसूद, रियाल रसो, सिमरन हतमायर, फजल शाह, सुहेल तरबे, ब्लेसिंग मुमतवानी, एस धानी, इमरान ताहिर और इमरान खान। तो ये सारे स्टार्टिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर और ड्यूएल चॉइस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मुल्तान सुल्तान के साइड से आपको मोहम्मद रिजवान तो मस्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, और दूसरा बॉलर में एस धानी, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है। उसके अलावा आप ले सकते हैं सोहेब मकसूद को, रशो को, इमरान ताहिर को, ब्लेसिंग मुजरावानी को। तो ये सब इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इस टीम के, मुल्तान के। और क्विटा ग्लेडर्स की साइड से बात करें तो क्विटा ग्लेडर्स का आपको इम्पोर्टेंट प्लेयर जो कि मुझे लग रहा है, यू खान, जैक विथरेन, कैमरन डेलपोर्ट, मोहम्मद हानसिन, यू खान सिनवाड़ी, मोहम्मद नवाज भी ठीक ही है, और खुर्रम शाहजाद। बट अगर रिजवान टिक जाता है तो इसके बॉलर को ज़्यादा विकेट मिलेगा नहीं, वैसे केस में हम खुर्रम शाहजाद को ड्रॉप कर देंगे, मोहम्मद नवाज को ड्रॉप कर देंगे। तो ये सब काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको हम एक ड्रीम इलेवन की टीम दिखाते हैं और जीएल में क्या क्या कर सकते हैं वो पॉसिबिलिटी बताते हैं। तो ये एक पॉसिबल स्मॉल लीग की टीम है, आप यहाँ से देख सकते हैं, रिजवान को कैप्टन लेके चलिए, सेफ चॉइस है, बहुत ही सेफ चॉइस है। उसके बाद रसो, मकसूद, डेलपोर्ट, वतरन, यू खान, नवाज, सिनवाड़ी, मुजरावानी, हानसिन, धानी। अब चेंज क्या क्या हो सकता है इसमें, चेंज पहला चेंज आप यहाँ मोहम्मद नवाज को हटा के जैक विल्डमुर्थ अगर खेलता है तब उसको ले लीजिएगा, चांस है खेलेगा आज, ठीक है। दूसरा, कैमरन डेलपोर्ट को हटा के आप विकेट कीपिंग सेक्शन से एस अहमद या ए खान को ले सकते हैं, क्विटा ग्लेडर्स के किसी को, ठीक है, एस अहमद या ए खान को ले सकते हैं, क्योंकि कैमरन डेलपोर्ट चल नहीं रहा है, बट मैं उसे इसलिए रखा हूँ कि अच्छा प्लेयर है, वो चल सकता है। तो आप कैमरन डेलपोर्ट, ए खान और एस अहमद किसी एक को ही ट्राई कीजिए जीएल में, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो आप यहाँ से इमरान ताहिर को भी आप ले सकते हैं, इमरान ताहिर को ले सकते हैं, यहाँ से विल्डमुंस को लेके एक टीम ये आप बना सकते हैं, या फिर आप मोहम्मद नवाज के साथ जाके ये टीम बना सकते हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है कि मोहम्मद नवाज से अच्छा जैक विल्डमुंस ही ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और विकेट कीपिंग सेक्शन में एस अहमद और ए खान में से ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि एस अहमद रहेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट 2-3 मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है। बट कैमरन डेलपोर्ट पर मुझे थोड़ा ज़्यादा आज लग रहा है कि वो आज अच्छा खेलेगा, क्योंकि PSL में आप जानते ही हैं कोई ना कोई प्लेयर अच्छा खेल जाता है, तो आज मुझे वैसा प्लेयर कैमरन डेलपोर्ट लग रहा है कि वो 30-40-50 रन आराम से मार देगा। तो इसलिए मैं दोनों को छोड़ के कैमरन डेलपोर्ट को ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ, और मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये टीम रखा हूँ। और फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, टेलीग्राम पर कैसे आना है आपको बता दूँ,
वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है, वीडियो का ये टाइटल है उसको टैप कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप आ जाइए। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को यहीं रोकते हैं, आज छोटा वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो सब लोग लाइक कमेंट, और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।